गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले क्लास में लेक्चर वन में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस देखे, लेक्चर टू में सीएसएस विद सिंपल सेलेक्टर, और आज लेक्चर थर्ड में सीएसएस विद क्लास देखेंगे। अगर पिछले क्लास में कुछ डाउट्स है तो मेरा वेब पेज www.signskill.com में रजिस्टर करें। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। टॉपिक के अंत में एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, वहाँ पे केस स्टडी में देखेंगे। डे बाय डे मेरा वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका छूट ना जाए। तो चलते हैं, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सी एस एस विथ क्लास। क्लास स्टार्ट विद डॉट, नेम मे बी एनी थिंग। सी एस एस का क्लास डॉट से स्टार्ट होगा। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। सिंटैक्स, डॉट क्लास नेम और जो भी उसका प्रॉपर्टीज और वैल्यू है आप सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉट ए यहाँ पे क्लास नेम है और कलर हम लोग उसका वैल्यू रेड सेट किए। क्लास विल बी इनहेरिट इन टू ए सेलेक्टर। क्लास इनहेरिट हम लोग सेलेक्टर में करेंगे। सेलेक्टर में भी HTML टैग, जैसा कि यहाँ पे हम लोग H1 एक HTML का टैग लिए, क्लास ए को इसके अंदर इनहेरिट किए। साइन स्किल वहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज किए, कलर रेड, तो H1 में रेड कलर इनहेरिट होगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। एडोब ड्रीमवीवर ओपन किए, यहाँ पे आपको पेज HTML ही सिलेक्ट करना है। सारे को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, जस्ट लाइक नोटपेड या नोटपेड प्लस प्लस के जैसा ही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग HTML क्लोज, बॉडी बॉडी क्लोज, यहाँ पे H1 हम लोग लिखे, H1 में साइन स्किल लिखे, इसको सेव करते हैं। CSS क्लास एक्सटेंशन देने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन .html ले लेता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्किल लिखे, ब्राउज़र में साइन स्किल दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका प्रॉपर्टीज़ है ब्लैक वो आया। अब हम लोग यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास हेड के अंदर होगा। अभी तक हम हेड का डिस्कस नहीं किए थे, अब हम लोग हेड का डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। हेड सिंटैक्स होगा स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, या फिर आप सिर्फ स्टाइल भी दे सकते हैं। डॉट क्लास सी हम लोग एक बना रहे हैं। कलर कलर यहाँ पे रेड लिए, सेव किए कंट्रोल एस से, पेज को रिफ्रेश किए, यहाँ पे नहीं आया कलर रेड क्योंकि H1 में ये क्लास इनहेरिट नहीं हुआ है। अब हम लोग इस पे क्लास H1 में C को इनहेरिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेड हो गया। इस तरह से एक क्लास हम लोग बनाए, उस क्लास को किसी भी टैग्स के साथ इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज 36, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, वो सारा प्रॉपर्टीज H1 में आ जाएगा। अब सेम क्लास को अगर हम H2 में इनहेरिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास C, बस वो सारा प्रॉपर्टीज H2 में भी आ जाएगा। इस तरह से एक क्लास बना करके उस क्लास को हम लोग कहीं भी इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लास हम लोग बना रहे हैं डी से, और इसको इनहेरिट करेंगे। एक HTML का टैग होता है डिव, क्लास डी इस पे इनहेरिट किए डिव पे। इस डिव का हम हाइट पूरे पेज का 20% लेते हैं और बैकग्राउंड कलर सेट किए।
पेज को रिफ्रेश करते हैं तो एक डिप देखिए बन गया। यही चीज़ अगर हम लोग को फ्रेम सेट में करना होता तो फ्रेम में डिवाइड करने के बाद वहाँ पे पेज लोड होता है। अब इस पे हम लोग लिखते हैं कुछ भी, H1 साइन स्केल रांची, यहाँ पे आ गया। देखिए पैडिंग में होता क्या है कि टेक्स्ट को हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइन। जैसे यहाँ पे तीन होता है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। लेकिन लेफ्ट और सेंटर के बीच में हमको टेक्स्ट लेके जाना है तो वहाँ पे हम लोग क्या देना होगा, स्पेस देना होगा। तो स्पेस लेंथी है, यहाँ पे जस्ट हम लोग पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग चार तरह का होता है। पैडिंग लेफ्ट से कितना, 30 पिक्सल छोड़े, लेफ्ट से ये मूव करेगा 30 पिक्सल, थोड़ा मूव किया। टॉप से, इसी तरह टॉप से भी हम लोग दे सकते हैं, पैडिंग टॉप 40 पिक्सल, PX परसेंटेज भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा इसमें आ गया। इस तरह से पैडिंग के हेल्प से हम लोग मार्जिन, सॉरी पैडिंग के, इस तरह से पैडिंग के हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो टैग आता है, एक मार्जिन और एक पैडिंग। यहाँ पे समझने की बात है, पैडिंग में एक डिप के अंदर कोई भी टेक्स्ट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि डिप ही होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं या इमेज को। लेकिन जब दो टैग के बीच में हम लोग को स्पेस देना होता है तो वहाँ पे मार्जिन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे और एक हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास ई नाम का एक क्लास बनाए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये लिए और हाइट पूरे पेज का 30% लिए, ई को एक दूसरा डिप में हम लोग यहाँ पे इनहेरिट करते हैं, डिप क्लास ई। signskill.com जस्ट इसके नीचे आया। अब हम स्पेस देना चाहते हैं इस डिप में और इस डिप में, मतलब सी कौन सा, डी क्लास में और ई क्लास में थोड़ा गैप देना चाहते हैं, तो मार्जिन सेट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन का भी चार प्रॉपर्टीज होता है, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट। तो ये देखिए स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे भी मार्जिन हम यूज किए। इस तरह से सिर्फ मार्जिन अगर यूज करते हैं हम लोग तो लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से भी लेता है ऑटोमेटिक। और अगर स्पेसिफाई हम लोग कर दें कि टॉप से ही सिर्फ मार्जिन ले तो फिर सिर्फ वो टॉप से लेगा, मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे इस टिप में हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। अब है कि किस डिप में करें, अगर इस डिप में हम लोग किए हैं, डी डिप में, तो इधर से टॉप ले रहा है तो ऑटोमेटिक ये और बॉटम से भी छोड़ दिया। अगर इसमें करेंगे तो इस डिप के रिस्पेक्ट में ये टॉप से और लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से छोड़ेगा 30 पिक्सल। अब यहाँ पे हम स्पैन टैग का यूज़ कर रहे हैं, स्पैन वेलकम टू साइन स्किल। एक हम लोग एफ से या फिर TXT नाम का एक क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं। क्लास में कलर, फॉन्ट कलर हम वाइट ले रहे हैं, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट के शैडो 10 पिक्सल लेफ्ट से, 10 पिक्सल टॉप से और फिर उस शैडो का कलर ये लेते हैं। इसको हम लोग कोई भी डिप में इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पे।
क्लास डी का जो डिव है उसके अंदर हम लोग स्पैन टैग के अंदर क्लास एफ टी एक्स टी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया, देखिए एक वाइट कलर का लिए थे जो ओरिजिनल टेक्स्ट आया उसका शेडो येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है। हम टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ये फॉन्ट बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम जो टेक्स्ट शेडो यूज़ किए हैं उसमें तीन कोऑर्डिनेट यूज़ किए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, 10 पिक्सल को थोड़ा कम कर रहे हैं हम, यहाँ पे 3 पिक्सल कर रहे हैं। तो हम ये बोले ये लेफ्ट से होता है, ये टॉप से होता है, ये लेफ्ट से मार्जिन छोड़ता है, ये टॉप से मार्जिन छोड़ता है, लेफ्ट में 3 पिक्सल किए। तो देखिए थोड़ा ये जो येलो कलर का है थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट किया। दूसरा कोऑर्डिनेट भी हम लोग 3 पिक्सल करते हैं या 4 पिक्सल, थोड़ा टॉप शिफ्ट करेगा, शिफ्ट किया। अब यहाँ पे और एक कोऑर्डिनेट हम लोग दे रहे हैं जो फेड डालेगा, फेड होगा, शेडो ओरिजिनल दिखेगा यहाँ पे 10 पिक्सल का। ध्यान से देखिएगा इफेक्ट आएगा, थोड़ा शेडो हो गया। शेडो का कलर हम चेंज कर रहे हैं तो आप लोग को पता चलेगा, ब्लू करते हैं फेड, थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पे एक हम लोग इंटररोल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा इंटर करने के लिए, पैराग्राफ और बीआर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेक लाइन स्पेस देने के लिए। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आया, इस पर इंटर किए कुछ। अब टेक्स्ट बॉक्स का अगर हम लोग को स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे भी हम क्लास बना सकते हैं डॉट, इसमें हम लोग हाइट और विड्थ इसका सेट कर सकते हैं, हाइट 300 पिक्सल और विड्थ 600 पिक्सल। इस इनपुट को हम लोग यहाँ पे INP देते हैं, इसको इनहेरिट कर रहे हैं इस पे क्लास अगर क्लास यहाँ पे नहीं आ रहा हो तो रिफ्रेश कर सकते हैं आप, तो INP यहाँ पे आ गया। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो बहुत बड़ा साइज आ गया, जैसे मैसेज हम लोग कुछ भेजना चाहते हैं मैसेज बॉक्स टाइप्स का, इसका चेंज करते हैं हम लोग कुछ 50 पिक्सल करते हैं और विड्थ ठीक है, इस तरह का आया। अब इस बॉक्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, रेडियस यूज करेंगे यहाँ पे, CSS का प्रॉपर्टीज है बॉर्डर रेडियस, सेमीकोलन नहीं दिए इसलिए नहीं आ रहा है, रेडियस बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट राइट 4 प्रॉपर्टीज इसका भी है, तो सिर्फ बॉर्डर रेडियस यूज करने से चारों तरफ का ये रेडियस लेता है 20 पिक्सल, ये आ गया इस तरह का। अगर आपको चाहिए नहीं एक तरह का कहीं टॉप का लेफ्ट और बॉटम का राइट रेडियस यूज करें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे रेडियस टॉप लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल, बॉटम राइट रेडियस 20 पिक्सल, ये लेफ्ट में लिया और राइट में लिया। यहाँ पे आप बॉक्स शैडो भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स शैडो जैसे टेक्स्ट शैडो था उसी तरह बॉक्स शैडो, कभी 3 कोऑर्डिनेट होता है 3 पिक्सल 3 पिक्सल 5 पिक्सल, और एक कलर ले लेते हैं शैडो का रेड। बॉक्स शैडो यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, अगर इस शैडो को आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3 के जगह पे हम 5 कर देते हैं और फिर 5 और इसको हम लोग 10 px कर देते हैं, थोड़ा शैडो
बढ़ेगा, बढ़ा। यहाँ पे कुछ भी हम लोग फॉन्ट लिख रहे हैं, इस फॉन्ट का साइज और कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट साइज 36px, कलर रेड। तो यहाँ पे अब जो भी लिखेंगे रेड कलर हो गया और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हुआ। इस तरह से आप क्लास इनपुट में भी इनहेरिट कर सकते हैं। और भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे क्लास के बारे में, अभी हम लोग इतना देखें, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम लोग फाइनल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और केस स्टडी करेंगे, जो भी टैग छूटा हुआ हम लोग डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।